हेलो एवरीवन, आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों ने मुझे पहले देखा हुआ है एंड कईयों के लिए बहुत सरप्राइजिंग हुआ कि मैं ये वीडियो क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बेसिकली मैं हरजोत का बड़ा भाई हूँ एंड आज हम हरजोत को सरप्राइज करने वाले हैं। 27th of May को हरजोत का बर्थडे है एंड पिछले कुछ दिनों से उसका लैपटॉप काफ़ी हैंग हो रहा है। एक दो बार वो खुद भी बोल चुका है कि मुझे नया लैपटॉप चाहिए और उस बात पर उसको मैं बहुत जोर से गाली भी दे चुका हूँ। बट इवेंचुअली आई वॉज प्लानिंग दिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड प्रॉबेबली आज एग्जीक्यूट कर देंगे। सो बेसिकली वी आर सरप्राइजिंग हिम विद अ न्यू मैकबुक। ही डजंट नो इट, आई एम गोइंग टू बाय इट राइट नाउ। उसको बर्थडे 27 को है, आज 15 है, बट आई थिंक आज ही हम उसको लैपटॉप हैंड ओवर कर देंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज। सो अभी बेसिकली मैं अपनी बहन के घर पर आया हूँ। सो बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी ऑफ दीज surprises or anything, I have to take approval from two people. One is my mom, one is my sister. Mama से बात हो चुका है, आज सुबह हुआ था। एक final बहन से approval लेके and we'll be good to go. We'll go to NSP. NSP में store है Apple का and I think that is the best place to visit and buy the new MacBook. छोटे मामू का birthday आ रहा है, उनको क्या gift दोगे आप? सिर्फ आप बाय करोगे, आप उनको नहीं दोगे? क्यों? डॉल्स दोगे उनको? नहीं, वो तो लड़की के होते हैं, तो दोगी मैं? हाँ, वो तो लड़की के होते हैं। हाँ। तो फिर मामू को क्या देंगे? लैपटॉप लैपटॉप दे दे। हाँ, लैपटॉप गिफ्ट करें मामू को, करना है कुछ? हाँ। हैप्पी बर्थडे मामू। हम एक काम करते हैं, मामू को सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। बट वो सरप्राइज होगा, फिर आप वो मामू को नहीं बताओगे, वो छोटे मामू को। ओके, प्रॉमिस। तो अभी मैं मेरा हैप्पी बर्थडे तो बाद में है, पहले मामू का है, छोटे मामू का। तो पहले मैं छोटे मामू के लिए गिफ्ट ले आता हूँ, फिर मैं आपको पिक कर लूँगा, फिर हम चलेंगे मामू को सरप्राइज करने। ओके, हाँ मम्मा भी चलेंगे। मम्मा को बुलाओ, बोलो मम्मा मामू मामा, आप भी चलोगे क्या? किसके लिए? बोल, सरप्राइज है छोटे मामू के लिए। तो बताओ कहाँ जाएंगे, बताओ क्या कर रहे हैं हम, क्या कर लें बताओ तो सही। मम्मी को हम क्या कर लें? सत श्रीकाल। तुझे नहीं लगता तुझे कुछ सीखना चाहिए मेरे से? तूने मुझे आज तक कुछ सरप्राइज गिफ्ट करा है? नहीं किया है ना। हाँ, तूने कब किया मुझे कुछ सरप्राइज गिफ्ट? तो आज मैं इसको सरप्राइज गिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इससे इमीडिएट बढ़ा हूँ। तुझे कुछ सीखना चाहिए कि इसके बाद मेरा भी बर्थडे आ रहा है। अच्छा। जैसे कि एक नई कार या एक नई गाड़ी या चार तोले की चीज। आपने कहते हो आप बड़े हो चुके ना, अर्निंग पर्सन हो। तो मैं अर्निंग पर्सन नहीं है ना अभी। और तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तू मेरे से पहले कमा रही थी ना, तब तो मैं नहीं था अर्निंग पर्सन। तो तब मैं फोन के देती नहीं थी। हां ओके, बाय। आपको दिलाया था ना? अच्छा, फोन दिलाया था। हां दिलाया था। चलो ओके, डन हो गया बात। यहां स्टेप 202 डन, मम्मी का अप्रूवल। सो बेसिकली मम्मी और बहन को बहन से अप्रूवल और कन्वे मैंने दोनों कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ नेताजी सुभाष पैलेस, जैसे कि आपको बताया था वहाँ पे एप्पल का स्टोर है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो फाइनली एनएसपी तो पहुँच गए हैं। हाँ, तो एनएसपी पहुँच गए हैं। लेट्स सी क्या होता है। कार्ड ले लिया, चाबी ले ली, मैं आ गया। आई एम जस्ट होपिंग कि एक ही जगह से यार हो जाए काम ना, आके अवेलेबल हो वो सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता। आओ और ना मिले, देन यू हैव टू गो अगेन, और ना मुझे व्लॉगिंग करनी आती है, तभी शायद आपने मुझे पहले कभी देखा भी नहीं। ओके, सो हियर वी गो, वी आर एट द एप्पल स्टोर, लेट्स सी हाउ इट गोज। दे आर नॉट अलाउंग मी टू व्लॉग हियर, बट मैंने अनलॉक कर दिया अभी। हियर इज़ द लैपटॉप, लेट्स सी हाउ इट गोज नाउ। Alright amigos, what do we have here? Ta-da! We got the MacBook for our kid. Let's go and see how it goes. I am gonna surprise him today only. Yeah, pre-birthday hai, but still, I'm going to do that. तो सीन ऐसा है कि MacBook अपन ने ले लिए, अब अपन ने स्विन्नी को बुलाया है नीचे। अब देखो जैसे ही भाई आते हैं, वहाँ तो सरप्राइज चाहिए उनके लिए। पर एनी हाउ उसको पता भी नहीं, क्योंकि घर पे भी किसी को नहीं पता आज ही। Let's see how it goes.
उम्मीद है भाई साहब सरप्राइज होंगे, नहीं तो एनीवे खर्चा तो हो ही गया, तो उसको एक्साइटमेंट तो दिखानी पड़ेगी। आ गया देखते हैं क्या करता है। क्या हो गया, परेशान है तू? ये क्या है? ठीक है, तुमने सेल लगा रखी है, आओ और मैकबुक ले जाओ। थोड़ी देर वेट कर लेता तो मेरा कार्ड आया था। कौन सा? लाइब्रेरी कार्ड। उससे क्या होता है? 10-15% ऑफ और मिल रहा है। 50% नहीं ऑफ दे देते एप्पल वाले तेरे को? 10-15 तो देते हैं, 50 देते हैं, हम कह रहे हैं। उसने दिखाया था मेरे को। हाँ हाँ, वो मैं भी तो देख के आया हूँ, कह रहे हैं 50% ऑफ होता है। स्टूडेंट आई डी कार्ड भी तो 50% दे रहे हैं, दो दे रहे हैं, एक नहीं दे रहे कि एक मैकबुक एयर ले जाओ, एक प्रो ले जाओ। बानी क्या है ये? क्यों लैपटॉप क्यों दिया है? क्यों लैपटॉप क्यों है? हाँ वो पीस कर रही है। लैपटॉप क्यों है? तेरे ले लिया है तो है। किसका बर्थडे है? किसका? लिटिल च्युइंगम का बर्थडे है। लिटिल च्युइंगम, अच्छा क्या लिटिल सिंगम का बर्थडे है? बैठो क्यों गाड़ी में, घर जा रहे हैं बस। नहीं सरप्राइज देने आया था ना आपने, मामू के लिए सरप्राइज नहीं रखा था? एक्सक्यूज माय लुक्स बट दिस केम एज अ सरप्राइज। रैंडमली ये एकदम से सरप्राइज मिला है, मैकबुक एयर का। घर वालों ने हैप्पी बर्थडे टू यू गिफ्ट दिया है। भाई 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 भाई, सो दिस इज मी आफ्टर द सरप्राइज एंड एवरीथिंग। सो भाई मतलब मेरे को तो दूर दूर तक नहीं पता था कि मैकबुक आने वाला है। बात तो काफ़ी टाइम से हो रही थी क्योंकि यार लैपटॉप दिक्कत दे रहा था, काफ़ी टाइम हो गया इस लैपटॉप को यूज़ करते हुए, बट सिर्फ लैपटॉप दिक्कत दे रहा था एडिटिंग के टाइम पे, बाकी काम ठीक था भाई। बट मैकबुक नया M1, सो दिस इज़ ऑलरेडी माई बेस्ट बर्थडे। अभी तो बर्थडे आया भी नहीं, बर्थडे आने में 12-13 दिन हो दो एंड अभी भी ये बेस्ट बर्थडे पहले बन चुका है। ऐसा सरप्राइज अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। ये पता पूरा महीना बेस्ट हुआ है, ये पूरा महीना ही बेस्ट है। पहले स्टैंड अप हुआ, उसके बाद कॉलेज में इवेंट्स जो है उसके अंदर जो प्यार मिल रहा है, जो कंटेंट को प्यार मिल रहा है, पिछले कुछ दिनों से कंटेंट पे बहुत प्यार आ रहा है इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे, उसके बाद ये सरप्राइज है ना। अभी तो महीना रहता है, भगवान काफ़ी खुश हुआ होगा हमसे। तो मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ भाई, थैंक यू टू दी फैमिली एंड टू दी कंटेंट क्रिएशन वाली फैमिली, मतलब घर की फैमिली एंड आप लोग, का थैंक यू भाई, इतना बड़ा सरप्राइज, इतनी चीज़ें। एंड अब आएंगी वीडियोस मार्वल लेवल की, क्या वीडियोस आएंगी, वो मज़ा आ जाएगा उसमें। और सबसे ज़्यादा मुझे हैरान करने वाली बात ये थी कि भाई ने व्लॉग करा है। भाई का मतलब मेरे को ब्लॉगिंग में या मेरे को यूट्यूब में या किसी भी सोशल मीडिया पर लाने वाला मेरा भाई था, मेरी फैमिली थी। मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा, उन्होंने मुझे पुश करा, मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, बहन ने, सब कहीं ना कहीं बोलते रहते थे कि तू भाई कुछ कर, यूट्यूब पे कर, कहीं कर। उनके सपोर्ट से और उनकी मोटिवेशन से मैं आया था यूट्यूब पे और फिर इंस्टाग्राम पे, सो मज़ा आ गया भाई। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं तो इस वीडियो में क्या ही बोलूँगा, तो थैंक यू बोल सकता हूँ सबको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे तो बहुत लगी मैं तो कह रहा हूँ ऐसी 2-3 वीडियो बन जाए। खैर, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।